में हम एक ह्यूमन बोलेंगे लगेज ट्रॉली बैग बनाएंगे, मतलब ऐसा बैग बनाएंगे जो हमारे पीछे पीछे आएगा और जीने भी चढ़ेगा। तो ये एक टाइप का रोबोट होगा जो हमें फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक टायर है छोटी साइकिल का, तो हम सिंपल इसका यूज करेंगे अपने बैग का पट्टा बनाने के लिए। इसके लिए हम इसको यहाँ से काट के अलग कर देंगे और ये बीच वाला हिस्सा यूज करेंगे। अभी आपको करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो प्लान कुछ ऐसा है। इस पर यहाँ पर एक पहिया लगाया है और दो पहिए यहाँ पर नीचे ऐसे में, और एक ही यहाँ लगाएंगे। इस पर मोटर अटैच करेंगे और इन सभी पहियों के ऊपर एक पट्टा लगाएंगे। ये टायर भी हमने काटा है, तो चलो बनाते हैं। के चारों तरफ सपोर्टिंग के लिए ये लगाया है। और चलो अब इसको इस पर चढ़ाते हैं। दोनों साइड के पहिए लग गए हैं, इसमें मोटर भी लगा दी है। अब हम सिंपल मतलब मैकेनिकल का जितना काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर बैग लगाएंगे। ये अटैची है हमारी और उसके बाद यहाँ पर सारे सेंसर और कंट्रोल यूनिट लगाएंगे, मतलब प्रोसेसर वोसेसर। तो चलो अब इनको लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रॉली बैग बन गया है और इसकी अभी हमने मोटर चेंज की है, क्योंकि इससे पहले हमने जो मोटर लगाई थी उनका जो गियर बॉक्स है ना, उनके टीथ टूट रहे हैं, तो बाद में वो ही लगानी है, उनको चेंज कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी हैवी है अभी चलाने के लिए। और बाकी इसमें एक रास्पबेरी पाई प्रोसेसर लगाया है और ये मोटर ड्राइवर है, जिनसे ए मोटर भी कंट्रोल होती है, लेकिन ये बस थोड़ा हीट मारता है। और यहाँ पर हमने एक ये डिस्टेंस सेंसर लगाया है, एक ये एआई कैमरा लगाया है, इससे हमें को प्रोसेसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर पहले से को प्रोसेसर लगा हुआ है और उसकी लाइब्रेरी भी बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की जो लाइब्रेरी है वो इसके अंदर पहले से है, उसका प्रोग्राम भी। और बाकी इसको इधर इधर घुमाने के लिए हमने एक छोटी सी सर्वो का यूज किया है। और तो चलो अब इसको चलाते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका प्रोग्राम समझा देता हूँ। खैर, अगर आपने हमारा पुराना ट्रॉली ह्यूमन फॉलोइंग लगेज का वो देखा होगा, एक रोबोट बनाया था, उसमें उसका सेम प्रोग्राम है, सेम कंट्रोल यूनिट है, बस मोटर ड्राइवर थोड़ा इस बार छोटा है। मेन फंक्शन स्टार्ट होता है ML मॉडल को लोड करके, उसके बाद एक लूप में रोबोट का जो कैमरा है वो फोटो को कैप्चर करता है फ्रेम बाय फ्रेम और उसको ML मॉडल को भेजता है।
उसके बाद ML मॉडल ऑब्जेक्ट की लिस्ट जो उस फ्रेम में है उसके हिसाब से कमांड भेजता है। ये वाला हिस्सा पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए और जो ऑब्जेक्ट है उनको हटाने के लिए। एंड ये वाला जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन की कैलकुलेशन के लिए है। और ये वाला जो पार्ट है ये रोबोट को राइट और लेफ्ट मूव करने के लिए है। और ये वाला जो पार्ट है ये रोबोट को फॉरवर्ड जाने के लिए है। ओके, तो अभी यहाँ पर इसमें प्रोग्राम डाल दिया है और यहाँ पर ये जो सेंसर लगे हैं इसकी ये जो सर्वो है ये गर्दन की तरह काम करेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इस टाइप की चीज़ें बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और जब चीज़ बनती है उसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, जानना खोजना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए चीज़ें बहुत लेट आती हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये मैं अपना बेचने के हिसाब से बना रहा हूँ कि इसको आने वाले समय में सेल करता हूँ, तो इसके लिए आपको 4-5 ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है तो वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।